कटक महांगा डबल मर्डर मुख्य अभियुक्त प्रफुल्ल विश्वाळंकर रहस्यमय मृत्यु एक दुर्घटना रे तांकर मृत्यु होइथिबा सूचना मिलिछि। टांगी निकटस्थ गोविंदपुर अंचल रे एक कंटेनर तांको मोटरसाइकिल को धक्का देइथिबा कहा जाउछि। घटनास्थल रो पुलिस तांको मोबाइल हेलमेट मोटरसाइकिल जब्त करिछि। दुर्घटना एते भयंकर थिला जे तांको मृतदेह को पुलिस चिन्हट करबा संभव नथिला। तांको मोबाइल रो फोन कला परे प्रथमे प्रफुल्लक स्त्री फोन उठाइथिले। तापरे पुलिस अनुमान करथिला जे एहा हेउछि प्रफुल्लक मृतदेह एवं परे तांको परिवार लोक प्रफुल्लक मृतदेह को चिन्हट करथिले। महांगा डबल मर्डर घटना रे एतला आधार रे प्रफुल्ल विश्वाळ ही मुख्य अभियुक्त थिले। हत्या घटना परठारु से फेरार थिले। डेड बॉडी काली 9:30 कि 10 भितर एक्सीडेंट होती नुआ बंदाला छक पाखे जो टोलगेट नुआ प्रपोज टोलगेट से आंबुलांस सिफ्ट कराई था। डेड बॉडी पाखे मोटरसाइकेल अच्छी गोटे ब्याग अच्छी से ब्याग हेलमेट अच्छी गोटे ड्रेस पटा कि अच्छी गाड़ी इन्सुरांस कागज अच्छी नहीं परिवारवर्ग फोन पाइक आम पकेट रू गए फोन नंबर मिलता से फोन में आम कल कलापर ताको मिसेज धरले मिसेज धरला परे ताको परिवार लोक आसिले थाना को आसिले एबे हम ताको नेके आस्तु सांगे रे। तबे प्रफुल्ल दुर्घटना रे मरिछंती ना ताको सुचिंतित भाबे हत्या करा जाय छि जहा को नेई संदेह घनीभूत होय छि। कारण घटना घटिबार मासे घटिथिले बि पुलिस काहे कि प्रफुल्ल को धरि परि नथिला। एही घटना रे एपर्यंत 10 जण को गिरफ करि सारि छि पुलिस। एपरि कि घटना किभळि घटिथिला सीन रिक्रिएशन करिथिला पुलिस। घटनास्थल गोटे खंडा मध्य जबत करा जाइथिला। कटक सालेपुर जंकोटी निकटरे बीजेपी नेता कुलमणि बराल और तांको सहयोगी दिव्य सिंह बराल को निर्मम भाव हत्या करने घटन मुख्य अभियुक्त थिले प्रफुल्ल विश्वाळ जहाँ नहीं राज्य राजनीति भी सरगरम थिला। स्थानीय विधायक तथा आईन मंत्री प्रताप जेना नाँ एफआईआर और अभियुक्त प्रफुल्लों सह फटो को नहीं चर्चा जोर धरी। केवल यही घटना नुहे 2018 मसीह बीजेपी नेता विकास जेना को हत्या करने घटन एतला आधार में प्रफुल्ल ही मुख्य अभियुक्त थे। रिपोर्टर।